मस्जिद में संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ भागवत की बैठक कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद में एक घंटे ये बैठक चलती रही और डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी भी इसमें मौजूद रहे। तो एक तरफ जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है, इसी बीच जो बड़ी एक खबर है ये कहा जाए संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार और हरीश कुमार इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में आखिर कौन कौन है, समझिए बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल दिल्ली में मस्जिद में संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक कर रहे हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ में ये बैठक है और कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद में ये बैठक। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की जो ये मस्जिद है यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। तस्वीरों में देखिए मोहन भागवत दिखाई दे रहे होंगे आपको और उनके साथ बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री रामलाल भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कि खुद वो चलकर यहाँ पर आए हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो मौलाना हैं, इमाम हैं, उनसे मिलने के लिए। ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है सिर्फ टाइम्स ऑन और भारत पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और संघ के सभी बड़े पदाधिकारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, चाहे वो कृष्ण गोपाल हों, इंद्रेश कुमार हों, रामलाल हों। तो एक बड़ा मैसेज जो समाज में अभी देने का प्रयास किया जा रहा है संघ की तरफ से कि जो माहौल बना हुआ है जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है उसको पाटने का यहाँ पर प्रयास और संघ प्रमुख का यहाँ पर आना और सीधे इन लोगों से मुलाकात करना ये मैसेज देता है कि ये बहुत बड़ी पहल जो है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से उठाई गई है। आप तस्वीरों में देखिए ये जो काफिला है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत का है और वो यहाँ से मिलकर निकल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो सिर्फ टाइम्स ऑन भारत पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस मीटिंग के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि इस मीटिंग के मायने ये हैं कि संघ को कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, उसके बारे में तमाम अवधारणाएं पाली जाती हैं, लेकिन संघ प्रमुख ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो यहाँ पर आकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो मौलाना हैं उनसे मुलाकात की है और समाज में जो इस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर टाइम्स ऑन भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी का मनवा आप देख रहे थे वो मोहन भागवत का था और मोहन भागवत यहाँ से मिल कर निकले हैं। टाइम्स ऑन भारत के लिए रविकांत राय के रिपोर्ट। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत एक तरफ तो हिंदुत्ववादी एक संगठन होने का आरोप लगता रहा है आरएसएस पर जिसकी छवि को लेकर बार बार कुछ लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ मोहन भागवत की मस्जिद के अंदर ये बैठा है, क्या संदेश देने की कोशिश की गई, क्या ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए अनुराग, मैसेज लाउड और क्लियर है क्योंकि संघ के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि संघ परिवार और बीजेपी सिर्फ नफरत की खेती करती है वोट बैंक के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि संघ प्रमुख दिल्ली में मौजूद थे, संघ के सभी बड़े पदाधिकारी जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की मस्जिद है कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वहां पर पहुंचते हैं सुबह के वक्त और लगभग एक घंटे तक जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनसे ये मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के मायने बिल्कुल साफ है अनुराग, क्योंकि संघ ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि जिस तरीके की अवधारणा समाज में बनाई जा रही है, जो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, वो उसके अनुसार काम नहीं करता। ये पहला स्टेप जो है वो संघ ने उठाया है और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के पास जाकर वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कुछ पार्टियां वोट बैंक के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर रही है। एक तरफ एनआईए की रेड चल रही है, दूसरी तरफ मोहन भागवत मस्जिद में जाते हैं। ये बड़ा स्टेप है, बड़ा कदम है संघ प्रमुख की तरफ से और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम मुसलमानों को भी चाहते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़े, उनके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव हो और जो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी और संघ जो है वो मुस्लिम समुदाय से, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से नफरत करता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये कदम उसी के अनुसार उठाया गया है और